अडानी अंबानी को लेकर कांग्रेस पहले से सियासत कर रही है, मोदी सरकार को घेर रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहली बार अंबानी और अडानी को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। तीन चरण के चुनावों में कांग्रेस की ओर से अडानी और अंबानी का मुद्दा खूब गूंजा। मंचों से राहुल गांधी आरोप लगाते रहे कि सरकार चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। राहुल खुलकर अडानी और अंबानी का नाम लेते रहे, मगर आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर करारा वार किया। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे, 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति 5 उद्योगपति 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी, 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल किया कि कांग्रेस ने अडानी अंबानी से कितना पैसा लिया है। जरा ये साझादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या क्या सौदा हुआ है आपने रातों रात। अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया, जरूर दाल में कुछ काला है। पीएम मोदी ने अडानी अंबानी का नाम लिया तो राहुल गांधी ने भी पलटवार किया। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबराए गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBID को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। अब सवाल यह है कि जो आरोप राहुल गांधी मोदी पर लगाते थे, वही आरोप पीएम मोदी कांग्रेस पर क्यों लगाने लगे, वो भी तेलंगाना के करीम नगर से। तो बता दें कि तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार ने जनवरी 2024 में अडानी ग्रुप से 12,400 करोड़ के 4 समझौते किए हैं। दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रेवंत रेड्डी और गौतम अडानी के बीच करार हुआ था।